नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ इंदौर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कंप्यूटर बाबा ने की। इस दौरान नेपाली पीएम ओली के पुतले को भी दहन किया गया। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अयोध्या को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान कंप्यूटर बाबा ने चेतावनी दी कि अगर नेपाली पीएम माफी नहीं मांगते हैं तो फिर नेपाल के रहने वाले लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो वक्तव्य दिया था कि अयोध्या में राम नहीं, नेपाल में ही राम है, जिस ढंग से ऊंची हरकत की है और इस ढंग से भाषा का उपयोग किया है, इसलिए हम संत समाज मध्य प्रदेश के संतों ने आज यहाँ इंदौर में एक पुतला बनाया ओली का, प्रधानमंत्री नेपाल का, और हम लोगों ने उनको जूते बरसाए और उनका पुतला दहन किया और संदेश दिया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री आप अपने वक्तव्य को वापस लें, अन्यथा पूरा संत समाज सड़कों पर उतरेगा। और यदि आपने अपनी बात को नहीं कहा कि अयोध्या में ही राम है, तो जितने नेपाली हैं मध्य भारत में, सारे नेपालियों को खदेड़ दिया जाएगा, नेपाल भेजा जाएगा। यहाँ रोटी खा रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं और बात नेपाल की कर रहे हैं। अब हमें लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री के पीछे चीन खड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य को वापस लो, अन्यथा पूरा संत समाज भारत का एक साथ होकर सड़कों पर उतरेगा और एक भी नेपालियों के यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, सबको खदेड़ा जाएगा। अन्यथा अपने शब्दों को वापस ले और संत समाज से और भारत के लोगों से माफी मांगे। दरअसल नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में स्थित अयोध्या में हुआ था, न कि भारत के अयोध्या में। इसके साथ ही ओली ने यह भी आरोप लगाया था कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।